जी डियर व्यूर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर, आज हम आपको अनबॉक्सिंग करके देंगे एक लैमिनेटिंग मशीन की। उसका चलने का तरीका बताएंगे और इसके अलावा आपको बताएंगे कि कौन सी शीट यूज़ करनी चाहिए और क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। तो वीडियो के साथ रहिएगा। तो अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी और आपको बताते हैं कि इसके अंदर मशीन जो है वो कौन सी है, कैसी लगती है। इसके मुख्तलिफ प्राइजेस होते हैं डियर व्यूअर्स। प्राइस में जो है आप कह लें कि ये 12,000 से लेकर 6,000 तक की रेंज होती है। तो ये हमने ऑलरेडी अंदर खुद रखवा ली थी। ये लैमिनेटिंग शीट्स हैं और ये शीट्स के ऊपर आप लैमिनेशन करते हैं। A4 साइज़ की ये शीट्स हैं और ये आपको नज़र आ रहा होगा ज़रा, ये थोड़ा सी नमी इसमें। और ये हमने एक टेप ली थी, दैट कॉल्ड बाइंडिंग टेप। और ये आपको थोड़ी सी भाप इसमें इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि ये मैंने चेक की थी गर्म करवा के ज़रा कि इधर ठीक भी है कि नहीं है। सो ये हमारी मशीन आ गई बाहर और इसमें ये इसका सारा कार्ड भी है कि कैसे इसको यूज़ करना है। ये जो है कंपनी है इसकी ब्रूज कंपनी की जो है ये है मशीन। तो इसमें ये फंस जाता है जब कोई पेपर, तो उसको निकालने के लिए तो ये थोड़ी गर्म थी तो पिघली नहीं है, ठीक है, इट्स गुड। और यहाँ से भी खोल लेते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं भाई। तो अब ये मैंने कपड़ा इसलिए रखवाया था कि ज़रा मैंने चेक की थी नमी थी इसके अंदर। ये शॉपिंग बैग का ख्याल करना है आपने, अगर आप थोड़ी सी देर के लिए यूज़ करते हैं तो आपने शॉपिंग बैग संभाल लेना है, ठीक है। सो दिस व्हाट वी हैव। अब इसको अभी हम ऑन करते हैं। तो अब इसको हम ऑन कर लेते हैं। अब ये ऑन हो गई है और ये इसमें जो है मुख्तलिफ इसके फंक्शन है। इसमें ये फॉरवर्ड जाने का, यहाँ से पेपर डालते हैं आप तो ये फॉरवर्ड जाएगा। और ये हॉट और कोल्ड करने का है, तो इसको हॉट करते हैं, ज़रा गर्म करते हैं। अब ये हॉट जब आप कर रहे हैं तो ये ग्रीन लाइट अभी जल जाएगी। जब जलेगी फिर आपने इसमें लैमिनेशन शीट जो है वो यूज़ करनी है। तो लिहाजा लैमिनेशन शीट को जो है वो अनबॉक्स करते हैं। आपको दिखाते हैं लैमिनेटिंग शीट क्या होती है, कैसे इसको आप डाल सकते हैं और कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर गाइड है आपको दे रहे हैं ताकि आपको लैमिनेटर मशीन अगर आपके पास लेकर आए हैं आप बाज़ार में, इसको लैमिनेशन को कोई 30 रुपये लेता है, कोई 50, कोई 100 रुपये भी ले लेता है, मुख्तलिफ प्राइजेज होते हैं। ये लैमिनेटिंग शीट हमें कोई एक 15 रुपये से 20 रुपये तक की पड़ती है, क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने निकाल ली है शीट, ये लैमिनेटर शीट्स हैं और हमारे पास एक पेपर है, बच्चों का हम रिज़ल्ट बना रहे हैं। तो अभी हम आपको ये लैमिनेटर शीट के अंदर डाल के पेपर और निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। और वहाँ से मशीन भी ग्रीन हो गई है, यानी इसके जो रॉड हैं इसके अंदर लगे हुए वो हो गए हैं ग्रीन, यानी हॉट हो गए हैं रॉड। तो ये मैं सोच रहा था पिछले साल, लेकिन मैंने बाहर से करवा लिया था ये काम। इस साल मैंने सोचा कि मैं जो है अब ये देखें, ये हम इसमें पोटिंग करते हैं। इसको पोटिंग करने का बड़ा ख़ास तरीका होता है और बड़े ख़ास तरीके से आपने जो है ये पोटिंग करना होता है। तो दोबारा देख लेते हैं। अब लाइट ऑन हो गई है, अब इसकी हीट आपने तकरीबन ये कर लेनी है, ज़रा करीब से दिखाएं। ये 150 तक आपने इसकी हीट या 160 तक करनी है, तब ये लैमिनेट करेगा। अब ये हीट जब आपने यहाँ तक कर ली है तो आपको दोबारा वेट करना पड़ेगा ग्रीन होने का। उसके बाद फिर आप जो है ये फॉरवर्ड और रिवर्स का बटन है तो ये हम यूज़ करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो सॉफ्टनेस क्या है इसका लेवल। तो अब जब मैं इसको लैमिनेट कर दूँगा, यानी इसको मैं लैमिनेशन से गुजार लूँगा, तो फिर आप देखिएगा ये बड़ा हार्ड स्ट्रक्चर सा कार्ड बन जाएगा।
एंड इट विल बी अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट जो बच्चा अपने 100 साल तक भी संभाल सकता है। कप वगैरह उठाने पड़ते हैं, लेके तो जाने पड़ते हैं, ये कोई वॉल में बच्चा फिक्स कर सकता है अपना वो बनाकर, उसको जो फ्रेम वगैरह लगवा कर। तो इसलिए मैंने ये काविश की बच्चों के लिए। तो आई होप सो कि आपको भी ये पसंद आ रही होगी। तो अब ये जो है हम इंशाल्लाह अभी लैमिनेटर में लगाते हैं। अब देखें इसकी अभी लाइट ग्रीन हुई है, तो अब हम इसको प्लेस करते हैं लैमिनेटर में। ये देखिए अब ये लैमिनेटर में जाना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट, और 1 मिनट जो है ये तकरीबन लेगा, क्योंकि ये हीट का काम है, इसको हाथ नहीं लगाना है, ये कॉशन भी लिखा हुआ है, काफ़ी हीटेड, इस तरह इस्त्री गर्म हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड से ये निकल भी रहा है अब, और ये बड़ा ख़ूबसूरत सा एक कार्ड बनकर निकल रहा है। और इस ये आपका टाइम बचा देता है सबसे बढ़कर, और टाइम सेव हो जाता है, सबसे बड़ी बचत तो टाइम की है। तो ये इसलिए मैंने मशीन ली, क्योंकि दुकान पर बैठ कर एक करने का टाइम नहीं होता है। सो दैट्स हाउ आई टुक इट ओवर। और अभी ये निकल रही है आपके सामने, और अभी इसको इंशाल्लाह हम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है इसका। आप इसको पंजाबी का है एक लफ्ज़, एक और फेरा लगवा सकते हैं, एक और दफ़ा आप इसको लेके जा सकते हैं इसमें। सो अब आप देख सकते हैं कि ये हेयर द वॉइस। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो पैगाम, जिसमें हमने आपको बता दिया कि कैसे आप इस लैमिनेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें रॉड होते हैं, तो इंशाल्लाह कभी आपको इसके अंदर की वीडियो भी दिखाऊंगा। एंड आई होप सो कि ये बटन जिनका क्या क्या फंक्शन है आपने समझ लिया होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ और, ये जो लैमिनेशन शीट्स हैं इनका आपने ज़रा, इसका भी एक डिफरेंट साइज़ होता है आपने।